ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी एडवांस और पीएचपी एडवांस के अंदर कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने कैटेगरीज पे थोड़ा बहुत काम किया था, जैसे कि फैचिंग वगैरह हमने करवा ली थी, ठीक है। और एड कैटेगरी के लिए हमने एक फॉर्म भी डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, छोटा सा। अब मैंने इसके अंदर करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ एजेक्स इंसर्शन करानी है, विद द हेल्प ऑफ एजेक्स। अब मैंने यहाँ पे क्या करानी है, इंसर्शन करानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एजेक्स स्टार्ट कर लेता हूँ, मगर उस सबसे पहले मैंने एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या मेरे पास जेक्यूरी लोड है मेरे हेडर की फाइल में या मेरे फुटर में या नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपली फिलहाल क्या कर लेता हूँ अपने इसी उसके अंदर यहीं पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो हम कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जावास्क्रिप्ट ऑन किया, यहाँ पे मैं जेक्यूरी का मेन फंक्शन ऑन कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, एंड उसके बाद मैं अलर्ट करके देखता हूँ सिंपल कि क्या मेरे पास जेक्यूरी लोडेड है या नहीं। तो देखें मेरे पास काम नहीं किया क्योंकि आई हैव नो जेक्यूरी। तो उसके लिए सबसे बिल्कुल सिंपल हम आ जाते हैं कहाँ, जेक्यूरी के अंदर, जेक्यूरी और ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। यहां से डाउनलोड जेक्यूरी के अंदर आके जब अनकम्प्रेस जेक्यूरी पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट जेक्यूरी आ जाती है, ठीक है। इसको सिंपली कंट्रोल ए करके इसको कॉपी कर लें, ठीक है। जब ये कॉपी हो गया मेरे पास तो सिंपली अब हमने करना क्या है, यहाँ एसेट्स के अंदर आके मैं डायरेक्टली इसको क्या कर लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जेक्यूरी डॉट जे एस के नाम से, जेक्यूरी डॉट जे एस के नाम से, और उसको मैं अपने एडिटर के किसी भी एडिटर के अंदर ऑन करके अभी जेक्यूरी पे कॉपी किया हुआ कोड में इसके अंदर पेस्ट कर, ठीक है। और ये पेस्ट कर दिया जब मैंने, तो मैं सिंपली हेडर के अंदर आकर टॉप में हेड सेक्शन में ही स्क्रिप्ट सोर्स बेस यूआरएल करके एसेट्स जेक्यूरी डॉट जेएस मैंने लोड कर दिया, ठीक है। लोड करते ही मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखें मेरे पास अब जेक्यूरी सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। आप पहले हेडर की फाइल को बंद कर दें, ठीक है। मैं यहाँ आ गया, अगेन मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास देखें ये बटन है, ठीक है, और ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है। मैंने फिलहाल आप देख रहे होंगे कि फॉर्म एक्शन को मैंने कमेंट कर दिया, फॉर्म एक्शन को मैंने कमेंट इस वजह से किया हुआ है क्योंकि हम फॉर्म एक्शन के बगैर भी एजेक्स के थ्रू, यानी कि फॉर्म के टैग के बगैर भी हम एजेक्स के थ्रू रिकॉर्ड सेंड कर सकते हैं। पर अगर फॉर सपोज आपको फॉर्म का टैग भी चाहिए और फॉर्म के जरिए ही आपने एजेक्स भी यूज करनी है और फिर रिकॉर्ड सेंड करना है कंट्रोल की तरफ, तो तब भी आप इजीली कर सकते हो। वहां पे हमने सिर्फ आपके फॉर्म को सीरियलाइज कर देना होता है और देन उसको वो इजीली हम गेट हो जाता है, पर फिलहाल मैं विदाउट फॉर्म ही कर रहा हूँ इसको। तो डॉक्यूमेंट डॉट हैश इंसर्ट गेट डॉट क्लिक, जब हमारे बटन पे क्लिक हो तो फंक्शन चले और वो क्या करे, वैल्यू गेट करे वैल्यू गेट करे टेक्स्ट बॉक्स में से। जब वैल्यू ये गेट हो गई मेरे पास, अब मैंने सिंपली करना क्या है, एजेक्स चला, ठीक है। और एजेक्स के अंदर मैंने करना क्या है, सबसे पहले यूआरएल कि भाई हम कहाँ हमने सेंड करना है, उसके बाद टाइप या मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड देन डेटा, ठीक है। तो यूआरएल मैंने कहाँ भेजना है, तो मैंने कल एक चीज आप लोगों को बताई थी कि हम कंट्रोलर दो यूज करेंगे, एक कंट्रोलर होगा जस्ट इन पैचेस को ऑन कराने का, सेकंड कंट्रोलर बनाएंगे इस टाइप की कंट्रोलिंग का, भाई व्यू से जो भी रिकॉर्ड आएगा मेरे पास उसका कंट्रोलर अलग होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ बेस कंट्रोलर डॉट पीएचपी, बेस कंट्रोलर डॉट
देखें ये कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर ही मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे पीएचपी मैंने ऑन कर ली, क्लास बना रहा हूं। हमारे पास कोऑर्डिनेटर के अंदर रूल क्या है कि फाइल और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। सी आई कंट्रोलर को कंट्रोलर, ठीक है, सीआई कंट्रोल को एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। सिंपली अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा एड कैट के नाम से, यानी कि कैटेगरी एड, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अपने एड कैटेगरीज वाले फाइल में यही काम करूंगा। यहाँ पे मैं पीएचपी ऑन करूंगा, बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल के जरिए मैं बेस कंट्रोलर स्लैश एड गेट फंक्शन, ठीक है, बेस कंट्रोलर स्लैश एड गेट फंक्शन की तरफ मैंने रिपोर्ट सेंड करना, ठीक है। टाइप कौन सा, पोस्ट एंड डेटा में मैं रिकॉर्ड भेजूंगा, एरे फॉर्मेट में भेज देता हूँ, या आप किसी भी फॉर्मेट में भेज सकते हो, उसका तो इशू नहीं, ठीक है भाई। यहाँ पे जो पहला जो नाम जाता है वो एज अ की जाता है जो कि वहां पे रिसीव होता है। गेट हमेशा यहाँ पे दिए हुए पहले की से वहां पे चीजें गेट होती हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं फिलहाल कैट ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। एंड उसको मैं कैट वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन सक्सेस फंक्शन के अंदर डेटा एज अ पैरामीटर पास हो गया, एंड यहाँ पे हम फिलहाल इको के, सॉरी इको नहीं, मैं एक ऐसा काम कर लेता हूं कि ये मेरे डिब इंसर्ट के नीचे यहीं पे फिलहाल मैं जस्ट चेक करने के लिए यहीं पे एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कार्ड बॉडी है, इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक छोटी सी डिव बना लेता हूँ, डिव डॉट आउटपुट के नाम से, डिव डॉट आउटपुट के नाम से, और यहाँ पे मैं यही डिव कॉल कराऊंगा आउटपुट डॉट एचटीएमएल, उसके अंदर डेटा, ठीक है। ये मैंने छोटा सा फिलहाल एजेक्स का तो कोड कंप्लीट कर लिया, ठीक है भाई। ये चीज मेरे पास जा कहाँ रही है, यहाँ, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो इस चीज को यहाँ पे रिसीव करता हूँ, दिस इनपुट पोस्ट। भाई ये फंक्शन तभी काम करता है जब आपके पास लोड किया हुआ हो फॉर्म हेल्पर, तो ऑटो लोड के अंदर चेक करते हैं हम, बिल्कुल हमारे पास फॉर्म हेल्पर लोडेड है तभी ये चीजें काम करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी, ठीक है भाई। कैट के नाम से मैंने ये रिसीव करके फिलहाल मैं सिंपल इसको इको करके देखता हूँ कि मेरे पास चीजें रिसीव हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपली अली रख दिया, इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, अली मेरे पास आ गया, यानी कि चीज सक्सेसफुली मेरे पास कंट्रोलर में रिसीव हो रही है, तभी वो यहाँ पे, क्योंकि डेटा उसको वापस लेकर प्रिंट कर दिया उसने डॉट एचटीएमएल फंक्शन के जरिए, ठीक है। जब भाई ये चीज मेरे पास रिसीव हो गई, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक की असाइन कर दूंगा, किस नाम से, की हमेशा जिस नाम से असाइन होती है वो नाम आपके कॉलम नेम के जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जो एरे बनता है वो इंसर्शन के वक्त आप अपनी वैल्यू को जो की असाइन करते हो वो आपके कॉलम के नेम के जैसा ही होना चाहिए, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है। जब ये चीज मैंने कर दी, अब मैंने सबसे पहले काम यहाँ पे क्या करना है कि मॉडल हमारे पास एक ही है, ठीक है, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, ठीक है, पैरेंट कंस्ट्रक्टर मैंने इसको सेट कर दिया, एंड यहां पे मैं दिस लोड मॉडल लोड कर लेता हूं। मॉडल का नाम क्या है मेरे पास, माय मॉडल, ठीक है। एंड यहां पे मैं कॉल कराऊंगा दिस माय मॉडल एड कैटेगरी के नाम से एक फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर मैं डेटा पास करा, ठीक है।
एड कैटेगरी नाम का फंक्शन अब मैं बनाऊंगा कहां, माय मॉडल के अंदर, ठीक है, पब्लिक फंक्शन एड कैटेगरी, यहां पे ये मैंने रिसीव किया, ठीक है, वहां से आई हुई चीज, एंड यहां पे सिंपली मैं क्यूरी बिल्डर के जरिए इंसर्ट की क्यूरी चला दूंगा, जो कि इंसर्ट नाम का फंक्शन ही है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं, एक आपकी वैल्यू तो वहां से आई है, एंड सेकंड आपका क्या, आपका टेबल नेम। तो मेरे पास टेबल का नाम, नेम क्या है, कैटेगरीज, मेरा टेबल नेम क्या है, कैटेगरीज, ठीक है। ये सिंपली जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा रिटर्न करेगा, अगर ये चीज सक्सेसफुली रन हो गई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड यहाँ पे अगर ट्रू आ जाता है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको एक फंक्शन असाइन करके, इफ अगर इंसर्ट हो चुका है तो सिंपली क्या प्रिंट हो जाए, कैटेगरी इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम बाद में इसमें टोस्टर भी ऐड कर देंगे, ये जो यहाँ पे कैटेगरी में डायरेक्ट मैं आउटपुट में प्रिंट करवा रहा हूँ, तो आउटपुट में प्रिंट ना हो बल्कि टोस्टर में प्रिंट हो जाए, तो वो हम टोस्टर भी ऐड कर देंगे बाद में, उसका इशू नहीं है। फिलहाल सिर्फ मैं चेक करूँ कि ये इंसर्ट हो चुका है या हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब डेमो के तौर पर इसमें दो हैं, मोबाइल एंड लैपटॉप ऐड किया, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ कार्स के नाम से, ठीक है। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, कैटेगरी इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया मेरे पास मैसेज, ठीक है। व्यू ऑल कैटेगरीज के अंदर जाके देखता हूँ, देखिए कार्स मेरे पास आ चुका है, कार्स मेरे पास आ चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि ऑल कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे मेरे पास ये जो बीटीएन सर्किल, ये बटन गोल क्यों नहीं हुआ, इस बटन को एडिट नाम के बटन को सर्किल हो जाना चाहिए। एक और चीज मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूं कि इन्होंने प्रोवाइड की है नहीं की, एक आई नाम का टैग लगाया, क्लास एफ एस एफ ए, तो आइकन नहीं आया, तो ये इन्होंने, मैं यानी कि सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि ये इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है खुद डैशबोर्ड वालों ने या नहीं की, मगर आई थिंक ये होनी चाहिए चीज़ें। तो मैं व्यू के अंदर चेक कर लेता हूँ कि अगर इन्होंने कोई पेज हमें आइकन्स के नाम से इन्होंने प्रोवाइड किया है तो वहाँ से हम देख लेते हैं। ओहो हो हो आइकन्स के नाम से इन्होंने जरूर यानी कि हमें प्रोवाइड किया होगा, देखें ये इन्होंने आइकन्स प्रोवाइड तो किए हैं। मैं इसमें एडिट नाम का सर्च करके देखता हूँ, तो ये क्रेडिट आ रहा है, एडिट नहीं आ रहा, क्योंकि पेज मेरे पास ऑन नहीं हो रहा। तो ऐसा करते हैं, एक और भी है हमारे पास इसका सॉल्यूशन, वो क्या कि जब ये मैंने डाउनलोड किया था डैशबोर्ड, ठीक है, तो वो डाउनलोडेड मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, आई थिंक के पड़ा हुआ होगा, ये पड़ा हुआ, ठीक है। एग्जांपल्स के अंदर ये आइकन्स में ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से हम देख लेते हैं आइकन्स, ठीक है। तो देखें ये इन्होंने डिफरेंट आइकन्स हमें प्रोवाइड किए हैं, ये क्या सर्विस नहीं किए हमने, ये फिक्स क्यों हो गया, नीचे नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको क्या कर लेता हूं, यहां पे मैंने ढूंढना है एडिट का आइकन, ऐसे तो इन्होंने जो आइकन से प्रोवाइड किए हैं वो आई थिंक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा यहां है क्या, कहाँ है,
कह रहा है कि एक है तो कहां पर? नजर ही नहीं आ रही चीजें, पता नहीं क्यों मिशोर के अंदर। क्योंकि एडिट का जो आइकन होता है ना ज्यादा अच्छा लगता है, एक पेंसिल बनी हुई होती है, तो मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसमें ना एक पेंसिल का आइकन ढूंढना चाहता हूँ जो कि मुझे मिल जाए। अक्सर क्या होता है जब चीजें जरूरत में होती हैं तो वो उस वक्त वो चीजें मिलती नहीं, और बाद में जब उनकी नीड नहीं होती तो अचानक से ना आ जाती हैं दिमाग सामने। खैर चलो बाद में भी लगा देंगे, इशू नहीं, ये मैं बंद कर देता हूँ, ये भी मैं ऑफ कर लेता हूँ, एंड यहाँ आके मैं वापस फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली एडिट ही लिख देता हूँ। ठीक है, एडिट लिख दिए, और इसी कॉलम के अंदर, इसी टीडी के अंदर यहीं पे इसी कॉलम के अंदर यहीं पे मैं क्या कर लेता हूं, एक और यानी के बना लेता हूं क्या, एंकर द नेम ऑफ डिलीट क्लास बिटवीन बिटवीन डैनियल। ठीक है, मेरे पास दो बन गए कुछ इस तरह से मैंने बना लिया। ठीक है, टी बॉडी उसके अंदर टी आर में टी डी एंड दिस। ओके, क्लियर। मैंने जब दो बटन बना लिए, अब डिलीट पे मैं डायरेक्टली इसको या तो डिलीट कर दूं, ठीक है, एंड एडिट पे मैं डायरेक्टली इसको क्या कर दूं, एडिट कर दूं। ठीक है, तो फिलहाल मैं डिलीट के लिए ना आपको छोटा सा यानी कि अभी करके दिखा देता हूँ कि डिलीट कैसे होगी। ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं है इसमें, इसको जरूरी नहीं कि मैं एंकर बनाऊं, इसको जरूरी नहीं है कि मैं एंकर बनाऊं, मैं बटन भी बना सकता हूं इसको एज अ बटन भी बना सकता हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आईडी चाहिए ऐसा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आईडी चाहिए इसको एडिट करने के लिए या इसको डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आफ्टर टेबल में जब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑन कर रहा हूँ, एंड वैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन एंड दिस, एंड जब मेरे पास मेरे बटन पे बटन पे क्लिक हो किस पे, डिलीट कैट यानी कि कैटेगरी के नाम से, जब उस पे क्लिक हो तो क्या हो, वैल्यू गेट हो किसकी, आईडी की। तो एक एग्जांपल यहां पे अच्छा ये भी रहेगा कि मैं इनपुट टाइप हिडन बना लूं with the id cat id category id। ठीक है, एंड वैल्यू के तौर पे मैं उसको क्या असाइन करता हूं, क्योंकि मेरा पास लूप, मेरा लूप चल रहा है अभी भी। ठीक है, वैल्यू इनटू id। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा कि हर पर्टिकुलर रिकॉर्ड का एक इनपुट टाइप हिडन बन जाएगा और उसकी id मुझे नजर आएगी। ठीक है, उसकी id यहां पे मुझे नजर आएगी हर पर्टिकुलर चीज की, एंड मैं इसको यहां से गेट कर देता हूं, गेट आईडी डॉट वेल। इसको अलग से अगर वेरिएबल आप असाइन ना भी करो तो नीचे डेटा के जरिए भी डायरेक्टली भी भेज सकते हैं आप इसको। ठीक है, डॉलर डॉट एजेस। ठीक है, यू आर एल
यूआरएल अगेन मेरा जाएगा कहां, बेस यूआरएल की तरफ, बेस यूआरएल उसमें बेस कंट्रोलर स्लैश डिलीट कैट नाम का मैं फंक्शन वहां पे बनाऊंगा जाके, ठीक है। उसके बाद टाइप पोस्ट, उसके बाद डेटा गेट आईडी इंटर गेट आईडी सक्सेस फंक्शन, इसमें मैं क्या कर दूंगा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का अलर्ट ही कर ले, जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट ही कर देते हैं भाई, अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। डेटा उसमें पास कर, डेटा उसमें हम पास कर देंगे सिंपली, ठीक है। अब ये चीज कहां जा रही है, डिलीट कैट की तरफ, बेस कंट्रोलर में, बेस कंट्रोलर के अंदर आके मैं एक फंक्शन बना दूंगा यहां पे, पब्लिक फंक्शन डिलीट कैट, उसके अंदर मैं दिस इनपुट पोस्ट कैट आईडी आई, ठीक है, इसको मैं भेज दूंगा एक पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ जो तो मॉडल का है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, कैट आईडी नाम का मैंने फंक्शन चला लिया, ठीक है, वहां कैट आईडी मैंने पैरामीटर में डिलीट कैट फंक्शन की तरफ सेंड कर दिया, ठीक है। एंड इसको मैं डिलीट का यानी कि वेरिएबल असाइन करके यहाँ पे यूज करता हूँ भाई, इफ अगर डिलीट हो जाता है तो क्या प्रिंट हो जाए, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुल, ठीक है, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, जबकि अब इस नाम का फंक्शन मैंने माय मॉडल के अंदर आके बनाना है, पब्लिक फंक्शन दिस, उसके अंदर एक मैंने पैरामीटर गेट कर लिया, रिटर्न दिस डीपी क्यूरी सिंपली डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी इक्वल टू सिंपल, ठीक है। ये कैटेगरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, डिलीट करो कैटेगरीज की टेबल में जिसकी आईडी मैच कर, ठीक है, वो आईडी जब डिलीट होगी तो पूरी की पूरी रो हमारी पड़ जाएगी, ठीक है। ये जब रिसीव होगा यहाँ पे ट्रू रिसीव करेगा तो डिलीट कैटेगरी सक्सेसफुली, अदरवाइज क्या आ जाएगा, एरर, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाएगा, एरर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर आ गए, यहाँ पे आई होप कि मैंने तकरीबन सारा काम पहले ही कर लिया है, कुछ रहता तो नहीं है मेरे ख्याल, ठीक है, मैं ट्राई कर, मैं फोर सपोज के मोबाइल को कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। अब क्योंकि ये पेज मैंने रिफ्रेश नहीं कराया, मैंने रीलोड नहीं कराया, ठीक है, रीलोड हो डिलीट होने के बाद तो नजर आया ये डिलीट हो जाए, ठीक है, तो अभी तक मैंने इसको रीलोड नहीं कराया, तभी वो नजर ही आ रहा है, रीलोड करने पर वो गायब हो गया, तो इसको हम रीलोड कराते हैं, ठीक है। अगर यानी कि ये जब तक रीलोड नहीं होगा तब तक वो फिलहाल तो नजर ही आएगा, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम रिलोड वाली चीज या विदाउट रिलोडिंग ही वो चीज यहाँ से गायब हो जाए, तो ये चीज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको ये चीज इजीली समझ में आ गई होगी कि एजेक्स के जरिए कोऑर्डिनेटर के अंदर किस तरह से हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। बाकी आएगी बात एडिट की, तो भाई अगर इंसर्ट हो गया तो एडिट भी इजीली हो जाएगा, वहां पे सिर्फ हमने अपडेट कराना है, बात खत्म,
ठीक है, जैसे इंसर्ट करा था वैसे ही अपडेट कराना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स से वैसे ही यानी कि वैल्यू क्रिएट होगी एंड वो चीजें कंट्रोल की तरफ सेंड होंगी, बेस कंट्रोल की तरफ, एंड वहां पे हमारे पास अपडेट की क्वेरी चलेगी एंड रिटर्न में हमारे पास मैसेज रिसीव हो जाएगा कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो चीज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।